साफरी, तुम्हें राम रक्षा पढ़ाना मेरे लिए एक विलक्षण अनुभव था। ये तो मुझे कहना चाहिए, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। तो क्या इस बदली हुई जिंदगी में मेरे लिए जगह है? जी। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन तुम मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी हो। मुझे अपनी पूरक लगने लगी हो तुम। मेरी वजह से तुम्हें जो मिला है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी संगत ने मुझे जो दिया है वो सिर्फ मैं जानता हूं। एक नया एहसास अनुभव किया है मैंने तुमसे मिलकर, प्यार का एहसास। जीवन को एक मतलब मिला है सावरी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं सावरी। संभव नहीं है। लेकिन क्यों सावरी? मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, लेकिन सवाल तो वहां शुरू होते हैं जहां इंसान में सोचने समझने की क्षमता रह गई हो। मैं तो स्तब्ध हूं काकी, लेकिन बस इतना कह सकती हूं, महेश को दोष देने से क्या होगा? काका, महेश ने हमेशा आपका उदार रूप देखा है। उसने देखा है आप कोई भेदभाव नहीं करते। फिर उसे तो यही लगता होगा ना कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। उदार तो मैं हूं, उदार ही हूं मैं। आज तक उन नीची जाति वालों के लिए बहुत कुछ किया है मैंने, लेकिन भूखे के सामने रोटी डालने में और उसे अपनी रसोई में बिठाने में बहुत फर्क होता है। काका, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो समझदार है, लेकिन भोला भी। वो ना हो, उस लड़की ने ही महेश को फंसाया है। अलवन जी, मैं सहमत हूँ बहू से। उस लड़की को तो देख ही लूंगा मैं, हल चला दूंगा उसके घर पर, पत्ती से निकलवा दूंगा। भले उसके लिए मेरा सच ही सबके सामने क्यों ना आ जाए, ऐसा धर्म नहीं होने दूंगा मैं। हरिओम हरिओम पलवन जी, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या आवश्यकता है? बहू, महेश आया तो उसे कुछ मत बताना। जो हुआ है उसका आभास नहीं होना चाहिए उसे। और बलवन जी, आप मेरे साथ चलिए। आज ये किस्सा ऐसे खत्म कर देंगे कि आपकी छवि भी बरकरार रहे और उस लड़की से पीछा भी छूट जाए। हरिओम।
कपड़े मंगाए थे ना गंगाधर जी ने? हाँ, अंदर रख दो। अंदर? लेकिन गंगाधर जी हमें कभी अंदर आने नहीं देते। आज उन्होंने कहा है, अंदर जाओ, उपले देकर पैसे ले लो। वहाँ नहीं, अंदर आओ। साईं, आप यहाँ कैसे? इस समय तुम्हारा कहीं और होना जरूरी है। लेकिन साईं, साईं, ये हम अभी तो कमरे में थे साईं, फिर अचानक क्या हो रहा है ये साईं? क्या मैं सपना देख रहा हूं? यहां तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसका घर है ये साईं? नीची जाति की लड़की और इतने बड़े सपने? तूने क्या सोचा, महेश को फंसा लेगी तू? जानती नहीं मैं कौन हूं? कुलकर्णी सरकार हूं मैं। शिरडी में जो भी होता है मुझसे नहीं छुपता। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो महेश। खबरदार, खबरदार जो मेरे बेटे का नाम तक लिया अपनी अपवित्र जुबान से। तू जैसी लड़की तो बोलने मात्र से ही मेरे बेटे का नाम कलंकित कर देगी। आज तक तुम लोगों ने मेरा भला रूप देखा है, लेकिन आज सूरज ढलने से पहले तुम दोनों ने ये गांव अगर नहीं छोड़ दिया तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जिससे तुम्हारी रूह कांप उठेगी। नहीं साहब, नहीं, ऐसा मत कहिए। कहाँ जाएंगे हम? मेरी आई अभी भी बीमार है, सर पे किसी का हाथ नहीं है हमारे, ना हाथ में फूटी कौड़ी है। दया कीजिए हम पे साहब, मैं आज के बाद आपके परिवार के किसी भी सदस्य को दिखूंगी भी नहीं। लेकिन हमें बाहर मत निकालिए, रहने दीजिए हमें। कुछ नहीं सुनना है मुझे। महेश कौन है आप? महेश, ये कैसा प्रश्न है? कोई ऐसे बात करता है अपने पिता से? नहीं, नहीं करता है। लेकिन ये आदमी तो मेरा पिता हो ही नहीं सकता। ये तो कोई बहरूपिया है जिसने मेरे पिता का शरीर उड़ लिया है। महेश, मैं तो वही हूं तुम्हारा बाप। बेटा तुम मत कहिए मुझे अपना बेटा। अपनी दकियानूसी सोच के चलते
जो इंसान एक मासूम लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता है वो मेरा पिता तो हो ही नहीं सकता। मैं सावरी से शादी करूंगा। क्या? और कोई भी मेरे मन को बदल नहीं सकता है। और अगर इस शादी के लिए किसी की हां जरूरी है तो वो है सावरी की हां। और उस दिन के लिए अगर मुझे सारी जिंदगी इंतजार करना पड़ा तो मैं करूंगा, क्योंकि भले ही आप सबकी नजर में ये किसी नीची जात की हो लेकिन मेरी नजर में इसका दिल आप सबसे कहीं ज्यादा बड़ा है। हरिओम हरिओम। आप सबको पसंद हो या ना हो लेकिन मैं आपके साथ अपने रिश्ते का मान रखने के लिए ना किसी गलत चीज का साथ दूंगा ना ही अपना मन बदलूंगा। चलो सावरी। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाता हूं। महेश बचपन में बाप बेटे को सिखाता है लेकिन जब बेटा बाप को सिखाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बेटा बड़ा हो गया। आज तू बड़ा हो गया है महेश, क्योंकि आज तुमने इस बूढ़े आदमी को एक पाठ पढ़ाया है। तुमने मेरी आंखें खोल दी है बेटा। मुझे तुम्हारा और सावरी का रिश्ता मंजूर है महेश। हम अभी उसके घर जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांग लूंगा। मुझे उसके घर ले जाओगे ना महेश? क्या हुआ बाबा? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बेटा सावरी का सामना करने की। महेश तुम एक काम करो, तुम सावरी को लेके खंडोबाजी के मंदिर के यहां आ जाओ। मैं खंडोबाजी को साक्षी मान के उससे माफी भी मांग लूंगा और तुम दोनों के रिश्ते की बात भी पक्की कर लूंगा। जाओ महेश। जी बाबा। आज तक मैंने अपने हर प्रवचन के माध्यम से राम जी के विचारों को आप लोगों तक पहुंचाया है। उन विचारों का फायदा तभी है जब आप उन्हें अपने जीवन में अमल में लाएं, क्योंकि शिक्षक जब पाठ पढ़ाता है तब उसका इम्तिहान भी लेता है ये जानने के लिए कि आपने उस पाठ को कितना आत्मसात किया है। आज समझ लीजिए कि राम जी ने हम सब के लिए भी एक परीक्षा रखी है। क्या आप सब परीक्षा के लिए तैयार हैं?
जल्दी चलो, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। डरो मत, दूसरे गांव के मजदूर होंगे, वैसे भी हम करीबी हैं। तुमने गलत राह चुनी है। और ये तुम्हें सही राह पर लाएंगे। काका आप, मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप इतनी आसानी से नहीं बदलेंगे, पर आप भी जान लीजिए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें जाने दीजिए। अब मेरे बाबा मेरे साथ हैं, जब उन्हें पता चलेगा तो जिस मुखिया पद का आप दुरुपयोग कर रहे हैं ना, उसे छीनते हुए देर नहीं लगेगी। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था महेश। लेकिन कहाँ है तुम्हारे बाबा, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? बुलाऊं उन्हें? रुको, बुलाता हूं। बलवन जी, बलवन जी आइए, यहां आइए। बाबा आप इतनी बड़ी चाल चली आपने बाबा, और कोई विकल्प भी तो नहीं छोड़ा तुमने मेरे लिए। अधर्म करने पर उतारू हो गए हो तुम, इसलिए तुम जब सावरी को लाने उसके घर चले गए, मैंने कुलकर्णी सरकार से मिलने का निर्णय ले लिया। बाबा, बाबा सावरी को जाने दीजिए, जाने दीजिए हमें। ए, कितना भी चिल्ला, तेरी मदद करने के लिए आज यहाँ कोई नहीं आएगा। आज का दिन शिरडी के लिए उदाहरण बनेगा, उदाहरण। किसी में हिम्मत है तो आओ आगे, आओ, मुझे भी खून खराबे से परहेज नहीं। आओ भागो। महेश, अरे गधो लेटे क्या हो, उठ जाओ, उठो बैल कहीं के। अब मेरा क्या मुंह देख रहे हो, जाओ पकड़ो उन्हें। चलिए बलवंत जी, अब हमारी बारी है।
तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस लड़की को बचा नहीं पाओगे। या तुम्हें दिखाई नहीं देता हमारे आदमियों की संख्या कितनी है? तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की को मौत के घाट उतार देंगे हम। लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे और ना ही इसे कोई बचा पाएगा। जांको राखे साईया, मार सके ना कोई। बाल ना बांका हो सके जो जग बैरी हो। तो ये है इनका असली रूप, मुंह में राम बगल में छुरी। महेश, सांवरी, जिस रिश्ते में तुम बनना चाहते हो ये तो इसकी शुरुआत है, एक झलक भर है। सोचो, जिसकी शुरुआत में ही इतनी कठिनाइयां होंगी तो आगे का सफर कितना मुश्किल भरा होगा। क्या अब भी तुम एक होना चाहते हो? ये सब देखते हुए भी क्या तुम इस रिश्ते में बनना चाहोगे? जी साईं। सांवरी, और तुम? मैं भी साईं। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ये कह रहे हो, मारो इसे। पति जी, शादी की रस्म शुरू कीजिए। जी साईं। ये क्या रहे हो? पकड़ो इस लड़की को। में नहीं आ रहा ये वो क्या रहा है। मैं जानता हूं ये क्या हो रहा है। इस फकीर ने फिर से तंत्र मंत्र जादू टोना का सहारा लिया है। हरे कृष्णा हरे राम। सांवरी, तुम खुश नहीं हो? साईं, आज आपकी वजह से मुझे वो खुशियां मिली है जिनकी मैंने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन आज मेरे कारण इनकी खुशियां, इनका परिवार इनसे दूर हो गया। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। महेश, सांवरी ठीक कह रही है। ये जानते हुए भी कि उन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा छल करने की कोशिश की, आप कह रहे हैं कि सांवरी ठीक कह रही है? किसी की गलती की सजा रिश्ता तोड़ लेना तो नहीं हो सकती ना। और तुम्हारी आई भी तो है, उनकी तो कोई भी गलती नहीं है। तुम्हें वाड़े जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं कि तुम भी यही चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन जब तक पहल नहीं करोगे तक हालात सुधरेंगे कैसे? और अगर उन्होंने फिर सांवरी के साथ कुछ? मुझ पर भरोसा है ना महेश? जी। तो निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारी हर समस्या मेरी है। और हां,
ये रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या है साईं? जब उम्मीद की किरण नजर आए तो इसे खोल के देख लेना। जी साईं। हम जा तो रहे हैं, लेकिन क्या वहां कोई हमें स्वीकार करेगा भी? प्यार की कोई उम्र नहीं होती है आई। मैं आप सबसे भी उतना ही प्यार करता हूं, तभी तो आप लोगों को यहां समझाने आया हूं। मैं और सावरी आपके साथ जीना चाहते हैं। हरिओम। हरिओम बलवंत जी, जो हुआ उसे हम रोक नहीं पाए। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे कुछ बात करनी है, उसके पश्चात आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। हमारी सोच, हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों को इस संसर्ग से बचाना है तो इन दोनों को हमें यही रखना होगा। और बलवंत जी, इससे और एक लाभ है, उन दोनों के रिश्ते की अवधि हम तय कर सकते हैं। जो काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करेंगे। मेरे संकेत को समझ रहे हैं ना आप? महेश कल हमारा था और आने वाले कल में भी हमारा हो सकता है। केवल शुद्धिकरण ही तो करना होगा, कर लेंगे। सरकार से बात करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि तुम इस घर में तो नहीं लेकिन इस घर के पीछे एक छोटा सा मकान है, वहां रह सकते हो। लेकिन हां, यह मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, यह मैं केवल तुम्हारी आई के लिए कर रहा हूं, क्योंकि तुम चाहे जितने भी एहसान तरामोश हो, तुम्हारी आई तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें यहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, मुझे अब भी तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है। अपनी आई के लिए यह प्रस्ताव तुम स्वीकार कर लो। महेश, यहाँ रहेगा तो कम से कम मैं तुझे देख तो सकूंगी, नहीं तो मेरी आंखें तरस जाएंगी तुझे देखने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.